बार लड़कों के साथ ऐसा होता है कि लड़की उसे देखती है और बार बार देखती रहती है। ये बात लड़के को भी पता होता है और लड़की भी ये जानते हैं कि लड़की उसे ही देख रही है। फिर भी लड़के आगे बढ़ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। बस यही कंफ्यूजन के कारण लड़की हाथ से निकल जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस परिस्थिति में लड़की से क्या बात करें या कैसे बात करें। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है और वो ये है कि लड़की आपके पहचान की है या बिल्कुल ही अनजानी है। तो आज मैं आपको दोनों टाइप की लड़कियों से बात करने के बारे में बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि किन लड़की से कैसे बात करें। तो बात करते हैं अनजान लड़की के बारे में जो आपके लिए बिल्कुल ही अजनबी हो। अगर अनजानी लड़की आपको बार बार देख रही है तो आप थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर लड़की के पास जाओ और सीधा बोल दो कि यार मेरा सेलफोन ना आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है। मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि आप गुस्सा करोगे, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। अगर आपके इस बात पर लड़की ने नंबर दे दी तो ठीक है, साइलेंसली आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी लड़की ने आपको नंबर नहीं दिया, आप चुपचाप बहुत खिसक जाओ। दूसरी बात, अगर लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा रही है तो आप उसे अपना नंबर दे आओ। इसके लिए आपको पहले से ही किसी कागज पर अपना नंबर लिख कर रखना होगा। अब बात करते हैं पहचान वाली लड़की की, जो कि लड़की थोड़ा बहुत भी आपको जानती हो। ऐसी लड़की आपको देखती है तो आपको पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि उस लड़की को आपसे कोई काम तो नहीं है। अगर आपसे काम हुआ तो आप उसकी मदद कर दो। दूसरी बात, अगर आपको पूरा यकीन है कि लड़की बिना किसी काम के आपको ही देखे जा रही है और आपको ये बात मालूम है कि वो आपको चाहती है और आपको देखे जा रही है, तब आपको किसी न किसी बहाने से लड़की के पास जाना चाहिए और घुमा फिरा कर दोस्ती कर लेनी चाहिए। जब आपकी बातें बढ़ने लगी तो आप बड़ी आसानी से अपने दिल की बात उसे बोल सकते हो। आप और एक काम कर सकते हो, इन दोनों टाइप की लड़कियों के ऊपर, चाहे वो जानी पहचानी हो या अनजानी हो, अगर लड़की आपको देखे जा रही है तो आप लड़की से डायरेक्ट बात करनी कर सकते हो कि देखो यार, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, जो मेरे दिल में है वही मेरे जुबा पर है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। इसके बाद अगर लड़की मना करती है या शर्माने लगती है या फिर इधर उधर देखने लगती है तो आप अपना नंबर उसे देकर आ सकते हो। लड़की आपका नंबर ले लेती है तो ठीक है, अगर नहीं लेती है तो बिना किसी तमाशे के वहाँ से निकल लो। देखो दोस्तों, प्यार जबरदस्ती नहीं, किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती है और ना ही किसी से ज़बरदस्ती करवाई जा सकती है। इसलिए किसी भी लड़की पर प्यार करने के लिए दबाव मत डालो। किसी भी लड़की को प्यार करने के लिए हद से ज़्यादा परेशान भी मत करो। दोस्तों, प्यार दिल का मामला है, इसे प्यार से ही जीता जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं।